हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमी साइन। आई एम सुमी। तो आप लोग आज जानने के लिए उत्सुक होंगे जो मैं आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ आज। तो आज हम आप लोगों को कुछ हाथ से बने एक चीज़ के बारे में दिखाऊंगी। तो हमने कोशिश किया है, तो आप लोग दिख के बोलेंगे कैसे हुआ है। तो वीडियो पे जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल वाला आइकन पे जाके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे पाइप कटिंग चल रही है, इससे हम स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड इसमें थोड़ी मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा साउंड स्टॉप है। मेरे हस्बैंड इसमें कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं। तो अभी कटिंग चल रही है, कटिंग हो जाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ फिर हम लोग क्या करते हैं। अभी भी थोड़ा बफ लगेगा, एक साइड कटिंग हो रही है और अभी भी बफ लगेगा तो उसको काटने में। तो देखते हैं कितने बफ में बना पाते हैं। तो जब इसके कटिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। एक साइड कटिंग हुआ दोस्तों, अभी हम लोग पाइप कटिंग हो गया। आप लोग जैसे देख सकते हैं पाइप साइड में रखा हुआ है। अभी इसमें हम होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी होल के बनते हैं कि नहीं, इसमें घर में था वही चीज़ों से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइट हमारे घर में बचा हुआ था तो इससे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होता है, आप लोग भी देखिए। ये सब तो हम नहीं कर सकते, इसलिए मेरे हस्बैंड ही कर रहे हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम भी करेंगे थोड़ा डेकोरेशन वगैरह, पहले कटिंग वटिंग का काम कर ले, इसको डेकोरेशन हम करेंगे। हमारा सब इतना ही काम है, बाकी सब हमारा हस्बैंड करेंगे। अभी भी हमारा काम जारी है, आप लोग देख सकते हैं कितना मेहनत लग रहा है इसको बनाने में। तो अगर सक्सेस हो गया तो किसी का कोई सौंदर्य नहीं है, तो खरीद भी सकते थे लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अगर खुद बनाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है, तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पहला साइड हो गया, अब पीछे का साइड को थोड़ा करना बाकी है। अभी हमें रॉड कटिंग और इसको होल को बनाने में करीब 15-20 मिनट लग गए। देखते हैं कितने वक्त में बन पाता है। चालू है, अभी पीछे से होल को पूरा क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है और लगातार हम लोग कोशिश करते रहे जो देखते हैं बन पाता है कि नहीं। होगा तो जरूर, आप बना रहे हैं तो होगा तो जरूर, लेकिन फिर भी पहले से ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा मजा कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। क्या करें, वो काम में व्यस्त है, हम बैठे हैं तो थोड़ा तो कुछ मजा करना बनता है। तो ऐसे हो रहे हैं। अभी इसके ऊपर क्या होगा, स्टैंप को लगाया जाएगा तो आप बताइए थोड़ा। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं तो इसके बाद हम लोग इसमें पॉलीथीन की क्या बोलते हैं इसको, जो किप पेपर होता है वही चिपका रहे हैं इसको और सुंदर दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करते हैं।
उसको थोड़ा डेकोरेशन कर रहे हैं हम। तो अभी काम जारी है और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हम इसको शेप में ला रहे हैं। और यहाँ पर कुछ हम ये जो छोटी छोटी बोर्डिंग की डिब्बियाँ होती है ये हम जुगाड़ की है और इसको हम थोड़ा जो ये पिटबोर्ड है इसके नीचे देंगे इसके स्टैंड के तौर पे। तो इस डिब्बिया को हम यूज़ करेंगे हम लोग इसको तो आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं जो हम लोग ये जुगाड़ करके कर रहे हैं देखते हैं कैसा होता है। तो इसलिए हम घर की जुगाड़ चीज़ों से ही बना रहे हैं। तो इसमें ग्लू लग गया अब इसको ब्लेंड किया जा रहा है ग्लू को। तो अभी ये चिपका ये चिपक गया अभी थोड़ा साइड में ग्लू लगा रहे हैं पेपर के ऊपर अब इसको उससे मोड़ देंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो अभी चिपकाने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसको पूरा तरह से चिपका ले चिपकाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं तीन साइड का पेपर मुड़ गया है अभी एक साइड बाकी है। तो एक साइड का काम हो जाएगा तो पूरा काम मुड़ने का काम फिनिश हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये अभी फिनिशिंग होने वाला है। आप लोगों को मैंने बताया था जो डेकोरेशन का काम है वो मैं करूँ लेकिन कैमरा पकड़ने का काम अगर मैं डेकोरेशन का काम कर लूँगी तो कैमरा कौन पकड़ेगा इसलिए मैंने पकड़ा है और मैं बताती जा रही हूँ वो करते जा रहे हैं। जुगाड़ सब मैंने ही लगाया है सिर्फ उसको ऊपर दे रहे हैं मेरे हस्बैंड देखते हैं फिनिशिंग हो चुका है। पीछे में हम कुछ नहीं लगाएंगे सिर्फ जो बोरोलिन की डिब्बिया है उसको ऐसे चिपका देंगे ग्लू से इस चारों साइड पर। हाँ तो आप लगा दीजिए स्क्रू से कैसा लग गया देखिए कैसा मजा कर रहे हैं हम इसका काम हम वीडियो बना रहे हैं और इनसे मजा कर रहे हैं। हाँ वहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं स्क्रू का पैसा लगेगा घर पे ही है वो काम करते हैं तो घर पे हमारा रहता है सब तो कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं मेरे से बोल रहे हैं कि पैसा दो फिर हम स्क्रू लगाएंगे इसमें ऐसे कुछ बताएंगे नहीं आप लोगों के सामने लेकिन मेरे से मजाक कर रहे हैं। स्क्रू अभी वो ढूंढ रहे हैं देखिए स्क्रू की जगह पिन लगा देंगे ओ इससे हथौड़ी मार कर इसको एक क्या बोलते हैं होल बना रहे हैं फिर इसको निकाल देंगे और उसके अंदर स्क्रू घुसा देंगे देखते हैं स्क्रू डर रहा है। अभी आप देख सकते हैं इसको स्क्रू से टाइट दे रहे हैं लगा दीजिए जो अच्छा होता जो लॉन्ग टाइम चलता ऐसा ही काम करना पड़ेगा ऐसे कैसे काम कर रहे हैं आप साउंड क्लियर आ रहा है मानो पंखा चलने की आवाज़ से। तो एक तो लगाना हो गया वो फिर से खोल रहा है उसको और उसमें क्या बोलते हैं वो वासर उसको घुसाएंगे फिर इसको टाइट देंगे तो लॉन्ग लास्टिंग होगा। हो गया
अभी हम चारों लगा लेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पूरा, हाँ चारों पहिया लग गया पूरा इसमें। तो नीच का काम फिनिश हो गया, पीछे का काम। तो अभी ऊपर में एक होल को भी हम लोग क्लीन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कुछ डेकोरेशन वगैरह करें, ताकि जो ये हमारा स्टिक जो है इसको थोड़ा सपोर्ट मिले। तो हम लोग के पास और भी एक डिब्बा है बोर्डिंग का, जो बड़ा सा है थोड़ा उससे, तो इसके हम यहाँ पर चिपकाएंगे और इसको अंदर होल करेंगे, फिर स्टिक को लगाएंगे, तो थोड़ा इसको सपोर्ट मिलेगा स्टिक का, क्योंकि स्टिक तो ज़्यादा लंबा है, तो उसको सपोर्ट के लिए भी थोड़ा कुछ चाहिए और इससे डेकोरेशन भी वगैरह हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने थोड़ा प्लान में चेंज किया है, तो हम उस बोलिंग की डिब्बा की जगह बोतल को बिठाएंगे डेकोरेशन के लिए और सपोर्ट के लिए। तो इस बोतल को, इस बोतल का कटिंग चल रही है, तो अभी आप लोग देख रहे हैं, तो इसके कटिंग हो जाने बाद आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमारा आधा काम पूरा हो गया। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया। ये बोतल कटिंग भी हो गया और इसको डेकोरेशन के लिए इसको ग्लू से चिपकाना भी हो गया स्टिक को, और बोतल को भी यहाँ पे अभी चिपकाया नहीं है, ऐसा है अभी सोच रहे हैं क्या करें, तो थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया था। तो इसके बाद आपको दिखाते हैं हम क्या करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा मोबाइल स्टैंड ट्रिपॉड स्टैंड कंप्लीट हो गया। हालांकि ये ट्रिपॉड नहीं है, ये वन ही है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। और जो हम यहाँ पे जो वो मोबाइल का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल का जो स्टैंड होता है, जो उसको राउंड राउंड वाला होता है, उसको यहाँ से लगा दिया है, इसके साथ रस्सी से बांध दिए है, और इसके अंदर क्लिप है, इसके अंदर हम मोबाइल को लगाएंगे। और इसको मूविंग भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा मोबाइल स्टैंड। तो ये हमारा लास्ट फिनिशिंग है, और इसको जो हम हैं वो ग्लू से नहीं चिपकाए, इसको हम ग्लू से नहीं चिपकाए, इसका अलग ही रखा है, क्योंकि ये अगर ग्लू से चिपकाएंगे कभी बहुत ये स्टिक वगैरह डिफेक्ट हो जाएगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको कुछ क्या बोलते हैं फिर से ग्लू से चिपका सकते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं चिपकाए हैं, जस्ट डेकोरेशन के तौर पर।